न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है और ये खास बुलेटिन है अपना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सपा, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा सहित सभी राजनीतिक दल टिकट वितरण को फाइनल करने की जुगत में है। वहीं बीजेपी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब कैबिनेट मंत्री और योगी सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान ने यह इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा है। तो आपको बता दें कि कल जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने की घोषणा की थी, तो वहीं आज एक और झटका बीजेपी को। दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि वो किस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि वो मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये इस्तीफे की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड जो उनका लेख है वो हम आपको पढ़वा रहे हैं कि दारा सिंह चौहान ने आज मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। तो बीजेपी को एक बड़ा झटका आज एक बार फिर। कल जहां स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो वहीं आज एक और बड़े नेता दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां पर दारा सिंह चौहान के लेटर पैड से तस्वीर जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो ऐसे में जब चुनाव नजदीक है और आदर्श आचार संहिता लगाई जा चुकी है, तो ऐसे में अब नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि नेता दल बदल की जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में नेताओं का आया राम गया राम वाली जो प्रणाली है उसका भी शुभारंभ हो चुका है। तो ऐसे में कल जहां स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा नाम यूपी की सियासत का, उन्होंने बीजेपी को एक बड़ा झटका देते हुए, एक बड़ा डेंट देते हुए बीजेपी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और साथ ही साथ कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का बाजार गर्म है कि वो 14 तारीख को समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में आज एक और बड़ी खबर, दारा सिंह चौहान ने भी मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दारा सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कल जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, तो वहीं आज दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि अब आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, पूरी डेटशीट आ चुकी है, किस दिन कहां चुनाव होने हैं तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे ये भी बताया जा चुका है। तो ऐसे में अब नेताओं का दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देते हुए बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया था, तो आज एक और बड़े नेता दारा सिंह चौहान ने भी मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। बरेली पहुंचे कानून मंत्री ब्रजेश सिंह ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में 10 मार्च को बीजेपी के पक्ष में परिणाम आएगा, बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश दूसरों के घर को देखकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वो हमारे पारिवारिक मित्र हैं, उनसे बात करने के बाद कुछ कह सकेंगे। तो कानून मंत्री ब्रजेश मिश्रा बरेली दौरे पर रहे, यहां पर उन्होंने जहां एक तरफ कहा कि 10 मार्च को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी को छोड़कर जाने के मुद्दे पर बताया कि वो तो हमारे पारिवारिक मित्र हैं, उनसे बात करने के बाद ही वो कुछ इस पर कह सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार की नीतियों की बदौलत, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश सरकार की जन उपयोगी नीतियों की बदौलत सीधे जनता के संपर्क में है। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही लोगों की सेवा में लगे थे।
मैं दावे के साथ कहता हूं 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। दरअसल वो हमारे बहुत ही पारिवारिक मित्र रहे हैं और ज़रूर उनसे हम बात करेंगे और इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। दरअसल इस प्रकार की अफवाहों से हमें बचना चाहिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और हम सबको मिलजुल करके भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वालों को, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने वालों को, गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को, उन सबको जो चिंता करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को आकाश की बुलंदियों की तरफ ले जाना है। सहारनपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर सपा में जाने पर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने अपने सपा में जाने की अफवाह को नकारते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों में उनका नाम देना गलत है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में ही हूं और बीजेपी में ही रहूंगा। तो सहारनपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उनके साथ और भी कई विधायकों के बीजेपी छोड़कर सपा में जाने की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में एक अफवाह ये भी थी कि प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी अब सपा में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस अफवाह को खुद नकारते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों में उनका नाम देना गलत है, वो बीजेपी में ही हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ना मेरी उनकी कोई संबंध में बात हुई है। हाँ मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। संज्ञान में आया है कुछ दिन पूर्व एक महिला का यहाँ पर इलाज चल रहा था जिसका कुल्ले का ऑपरेशन होना था हड्डी वार्ड में, जिसके लिए डॉक्टरों ने 20,000 रुपये की मांग करवाई, परिजनों पर पैसे ना होने के कारण उसका इलाज रोक दिया गया, उसके अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। कुछ दिनों बाद परिजन पैसों का इंतजाम करके आए, उसके बाद में उसका ऑपरेशन जो डॉक्टरों ने करा उसकी लापरवाही के कारण, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उस उसका देहांत हो गया है। तो जिसके जिस पे इतना मजबूर हो गए में जो उसके परिजन है। कुशीनगर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही जिला प्रशासन होर्डिंग पोस्टर हटवाने में जुट गया था, लेकिन जिले के कई क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रचार के लिए दीवारों पर वॉल पेंटिंग किया गया है जो जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बनी हुई है। चुनाव आचार संहिता लगे करीब 5 दिन हो गए हैं। जिला प्रशासन ने नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में लगे पार्टियों के बैनर पोस्टर को तो उतरवा दिया, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से पार्टी प्रचार के लिए जगह जगह दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चुनाव प्रचार के लिए दीवारों पर जो वॉल पेंटिंग कराई गई है उनको जल्द से जल्द मिटाना आसान नहीं है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दीवारों पर वॉल पेंटिंग करवाई गई है प्रत्याशियों की तरफ से, जिनको आप देख सकते हैं दावेदारों की तरफ से, जिनको मिटाने में प्रशासन अभी सफल नहीं हो सका है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है और अब बयान प्रदेश के मुखिया को लेकर दिया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस वार्ता के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को चिलमधारी बताया, वहीं आगे कहा कि योगी जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी मौलाना तौकीर रजा बेतुके बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। हाल ही में इससे पहले उन्होंने धर्म संसद के दौरान मुस्लिम लोगों को इकट्ठा कर एक बेतुका बयान दिया था। भाई क्या कर रहा है यार, तौकीर रजा खां का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है और इस बार उन्होंने सूबे के मुखिया को लेकर
विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिलमधारी बताया है। बरेली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मौलाना तौकीर रजा खान का विवादित बयान निकलकर सामने आया है। योगी जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब चिलम का दम जरा कस के लगा लेते हैं तो वो कुछ भी बोल देते हैं। तो चिलम वालों के जवाब में मुझे कुछ कहना मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये और इस वक्त मैं चुनावी बातें या किसी नेता की हिमायत या मुखालफत मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं समझता। मैं इस वक्त ये ज़रूरी समझता हूँ और आप तमाम लोगों से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त हमारा साथ, कोरोना की इस लड़ाई में हमारा साथ दें और देश की सरकार पर भी, प्रदेश की सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी ये दबाव बनाए। आम हिंदू और मुसलमान से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाए कि पहले कोरोना से लड़ाई होगी, बाद उसके बाद चुनाव। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I am posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cant, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली इलाके में मामूली से झगड़े के बीच पति ने पत्नी की हत्या करके उसके शव को घर के पीछे स्थित पीडब्ल्यूडी माल गोदाम के गड्ढे में दफन कर दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देकर पति मौके से फरार हो गया। वहीं मां ने बेटे के खिलाफ बहू की हत्या करने के मामले में जब तहरीर दी तो पुलिस ने मौके पर जाकर देर रात खुदाई कराकर शव को गड्ढे से बाहर निकाला। वहीं पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। एक महिला के द्वारा थाने पूरनपुर में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा यह बताया गया था कि उसके लड़के के द्वारा उसकी बहू को मारपीट कल रात्रि में दिनांक 10/11 की रात्रि में की गई थी तथा उसके साथ भी मारपीट की गई थी और उसके महिला के चले जाने के बाद उसकी बहू की मारपीट करके हत्या कर दी गई तथा शव को उसके घर के पास ही गड्ढे में छिपा दिया गया है। सूचना के तत्काल थाना पूरनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 52/22 धारा 302-201 का पंजीकृत कर लिया गया तथा मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई तथा बॉडी को रिपोर्ट कर लिया गया है। बॉडी को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अब पूरा मामला बेटा बता इधर आए हैं, हमने वहाँ देखा तो है नहीं क्या हुआ, हम खुद ही अपनी जान बचा के भागे। क्या घटना हुई, आप घटना बता दीजिए। घटना लड़के ने बहू को मार दिया। किस बात को लेके? अब किस बात को लेके, हमारे पास रहते होते तो हमें मालूम होती किस बात को लेके मारा। वो हमसे दूर रहते थे, क्या मालूम उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चंदौली के सैयद राजा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में सैयद राजा पुलिस टीम को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पशु और शराब तस्करों की तरफ से एक ट्रक में 25 गोवंश को क्रूरतापूर्ण तरीके से लादकर हत्या के लिए बिहार के रास्ते से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था और एक स्कॉर्पियो में 300 लीटर अवैध कच्ची शराब बिहार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी प्रभारी निरीक्षक सैयद राजा की तरफ से बरठी कमरौड स्थित नेशनल हाईवे 2 पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रक में लदे जानवरों और स्कॉर्पियो में रखे 300 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद कर लिया गया है। फिरोजाबाद में पिछले 8 दिनों में 3 बार चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े आरोपियों के पास चोरी के सामान के साथ 5 तमंचे और 9 जिंदा कारतूस सहित 15,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। SSP फिरोजाबाद ने पुलिस सभागार में मामले का खुलासा करने के बाद पकड़े गए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। वही आदमी जो काम किया था घर में, उसी ने सुरागरसी करके पूरी घटना को अंजाम दिया और लोगों ने बीमार और महिला को गाड़ी में बैठा करके पुलिस को दीनहीन बता करके अपने को वहाँ से जाने का रास्ता बनाया, तो ये भी एक देखने वाली बात थी। ये हमारे पुलिसकर्मी इससे सबक लें, दूसरा जो काम कराते हैं अपने घरों में वो सबक लें। इस तरह से इस घटना का पूरा खुलासा हुआ। यशो उत्तर को बधाई है, उन्होंने लीड किया और इस सिपाही ये हेड कांस्टेबल जो हमारा है अजय, सारा क्रेडिट अजय को जाता है। इस टीम का पूरा पुरस्कार मैं 10,000 रुपये का अजय को घोषित करता हूँ। हमारे जीना की पटिया डूर के उसमें से चोरी हुई, उसमें SP साहब भी पहुँचे, CO साहब भी पहुँचे और इंस्पेक्टर साहब और चौकी इंचार्ज सब लोग पहुँचे। SP साहब ने हमको किया था कि 24 घंटे में आपका सामान खोल के देंगे, उनने 12 घंटे में हमारा सामान खोल के मौजूदगी में किया। और ये लड़के कहते हैं कि मैं इनके यहाँ बेंदारी करने गया 3 महीना पहले, ये तो गलत बात है कि ऐसे 1.5 साल से उसमें कोई काम ही नहीं चला है और सारा माल हमारा बरामद किया है। हम इनको SP साहब को, CO साहब को, CT SP को, इंस्पेक्टर साहब को, इनने और इसमें टीम पूरी को पूरा पूरा धन्यवाद करते हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में जगह जगह से सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर और पार्टी से जुड़े चुनाव चिन्ह हटाए जा रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील में डुमरियागंज थाने सहित कई जगहों पर आज भी मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगने के 48 घंटे बाद ही ये बैनर पोस्टर उतर जाने थे, लेकिन नहीं उतारे गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये बैनर पोस्टर कब उतारे जाएंगे।
एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा गौवंशों के शव सरसों के खेत में पाए गए। चुनाव करीब है, ऐसे समय में गौवंशों के शव मिलना एक बड़ा मामला है। वहीं गौवंशों के शव छत विक्षत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ये घटना सर रात में हुई है और हमें रात की कोई जानकारी है नहीं। जब सुबह जब लोग आए थे यहाँ पर तो उन्होंने हमारे प्रधान जी के पास फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गाय के अवशेष पड़े हुए हैं, तो हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ अवशेष पड़े हुए थे सर। तो उसके बाद सूचना कैसे प्राप्त हुई आपको, कैसे या प्रशासन को कैसे आपने? पहली बात तो ये था कि हमारे पास एक लड़के ने फ़ोन किया था, तो उसके बाद हमने थाने में फ़ोन किया था, वहाँ से पुलिस 2 घंटे बाद आई थी आपकी सूचना के बाद। हाँ, सूचना के बाद। वहीं हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी से 34,70,000 रुपए कैश बरामद किया। इसी के साथ ही गाड़ी चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस कैश जब्त कर गाड़ी चालक से पूछताछ कर रही है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।